हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी स्मार्ट वॉच का सॉफ्टवेयर अपडेट करोगे। मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि आपको आपकी स्मार्ट वॉच का सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट करना है। तो सबसे पहले तो आपको आपकी स्मार्ट वॉच को उसके ऐप से कनेक्ट करना है। ये स्मार्ट वॉच का नाम है DT No. 1 स्मार्ट वॉच। वैसे आप कोई भी स्मार्ट वॉच में सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। आपको फॉलो करना है, आपको सबसे पहले ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन कर देना है अपने फ़ोन में, और आपको मेक श्योर करना है कि आपका फ़ोन नेट से कनेक्ट है और अच्छे नेट से कनेक्ट है। क्या मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया है नेट को। तो अब मैं ऐप में जाऊंगा जिसका ऑफिशियल ऐप है वेयर प्रो। तो वेयर प्रो ऐप से मैं पहले वॉच को कनेक्ट करूंगा। तो यहाँ डिवाइस में आप देख रहे हो, तो यहाँ डिवाइस में हमें फाइंड करना है वॉच को। तो यहाँ वॉच हो गई है फाइंड, तो इसका नाम है स्मार्ट वॉच। अभी पूरा डाटा सिंथेसिस हो रहा है, तो सिंथेसिस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आप देख सकते हो यू वॉच वॉज है न्यू फ्रेम वर्क, प्लीज अपडेट एंड अपग्रेड। तो आप आपकी वॉच का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो। इसमें काफ़ी अमेजिंग फीचर है, बस आपको चेक करना है वॉच अच्छे से कनेक्टेड है, फाइंड हो चुकी है, इसका मतलब बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, और नेट बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो वॉच करप्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ लिख क्या रहा है, फ्रेमवर्क न्यू वर्जन इज अवेलेबल। तो अभी आप यहाँ से अपनी स्मार्ट वॉच का जो है वो न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो। आपको स्टार्ट करना है यहाँ से अपग्रेड, और स्मार्ट वॉच का सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड होगा। डू नॉट क्लोज द ऐप ड्यूरिंग अपग्रेड प्रोग्रेस, कीप डिवाइस। तो आपको बिल्कुल भी ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट नहीं होने देना है सॉफ्टवेयर, और नेट नहीं डिस्कनेक्ट होना चाहिए। अगर ये इसमें से कुछ भी हुआ, ऐप बंद हो गया, तो आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा वॉच का। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अभी यहाँ फ्रेमवर्क जो है वो डाउनलोड हो रहा है, तो ये अपग्रेड के लिए अभी प्रिपेयर होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हो ये अपग्रेड हो रहा है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, मैं बिल्कुल भी एक भी स्टेप स्किप नहीं करूंगा। वॉच का डिस्प्ले जो है वो बंद हो चुका है। आप देख सकते हो कि अपग्रेड स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ अभी आप देख सकते हो कि वॉच जो है वो अपग्रेड हो रही है, इसका सॉफ्टवेयर जो है वो न्यू इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ आप वॉच को अपग्रेड कर सकते हो ऐसी। तो यहाँ देख सकते हो अपग्रेड इज सक्सेसफुल, अपग्रेड सक्सेसफुली हो चुका है। वॉच डिस्कनेक्ट हो चुकी है कि अब वॉच रीस्टार्ट होगी। आप वॉच का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो, ये काफ़ी चीज़ों के लिए अच्छा होता है। जैसे कि आपको सॉफ्टवेयर अगर अपडेट होगा तो नए फीचर्स आएंगे। आपको मालूम है कि सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो क्या क्या होता है, इसमें और माइनस टाइज अपडेट हो गया, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, इसमें न्यू फीचर्स की पूरी लिस्ट हो जाएगी, आप देख सकते हो। तो ये वॉच हो चुकी है बिल्कुल भी अपग्रेड, तो आप ये वॉच को अपग्रेड कर सकते हो। तो ये वॉच जो है ये अपग्रेड हो चुकी है। अभी आप देख सकते हो। तो अब मैं इसको ऐप से कनेक्ट करूंगा। तो यहां मैं वापस डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर दूंगा। तो अब मैं डिवाइस को फाइंड करूंगा। तो यहां स्मार्ट वॉच लिख के आ रहा है, मैं स्मार्ट वॉच से कनेक्ट कर लूंगा। तो भी स्मार्ट वॉच जो है वो हो रही है पूरी तरीके से कनेक्ट। देखिए टाइम सेट हो चुका है, वॉच कनेक्टेड है, वॉच फाइंड हो सकती है। तो ऐसे ही आप अपनी वॉच का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो। तो ये काफ़ी अमेजिंग फीचर है। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन इज अपडेटेड। तो लेटेस्ट वर्जन यहाँ अपडेट हो चुका है। तो गाइज आप ऐसी अपनी स्मार्ट वॉच का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।